हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, जो ये वाला बटरफ्लाई फोटो एडिटिंग है, ये बहुत ही ट्रेंड में है। अगर आप भी अपना इस तरह का फोटो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और अपने मॉडल को चूज कर लेते हैं। इधर से कर लेते हैं इसको ऐड। ऐड करने के बाद सिंपली अपने फोटो को चूज कर लेते हैं। उसके बाद ये लेयर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर देते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट करने के बाद आर्टिस्ट 03 वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे कि फोटो और टी शर्ट का जो कलर है वो मैचिंग करे, उससे और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं जिससे कि अच्छा लगेगा। उसके बाद सही वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं सही। उसके बाद टेम्परेचर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देते हैं, लुमिनेशन को भी हल्का सा कम कर देते हैं, जिससे फेस पे और लाइट आएगा। उसके बाद ऑरेंज वाले कलर पे क्लिक करके सैचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा देते हैं और लुमिनेशन को भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद येल्लो कलर पे क्लिक करके इसको हुई को कर देते हैं कम, सैचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा देते हैं 67 और उसके बाद लुमिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे कि और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे और हुई को कर देते हैं कम और सैचुरेशन को भी बढ़ा देते हैं और लुमिनेशन को कर देते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं और जिससे कि लाइट आ जाएगा। उसके बाद इस वाले कलर पे क्लिक करके हुई को कर देते हैं कम, सैचुरेशन को फुल कर देते हैं और लुमिनेशन को कम कर देते हैं। उसके बाद इसको हुई को हल्का सा कम कर देते हैं, जिससे कि पैन का कलर चेंज हो जाएगा और उससे और भी अच्छा लगेगा। इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद वापस लेयर वाले आइकन पे क्लिक करके आर्टिस्ट 03 पे क्लिक कर देंगे, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा ही लाइट है। इधर कर लेते हैं पेन। उसके बाद ये सूरज आइकन वाले पे क्लिक करेंगे और एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ा देते हैं, नहीं कम कर देते क्योंकि लाइट ज़्यादा ही आ रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ा देते हैं, हाईलाइट को कर देते हैं कम, शैडो को हल्का सा बढ़ा देते हैं, वाइटिस को भी कम कर देते हैं, ब्लैक को भी कम कर देते हैं जिससे कि और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद इसको कर लेते हैं, उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करके क्लियरिटी को भी हल्का सा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं 25 कर देते हैं, डिहेंज को भी हल्का सा कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं -24 और इसको कर देते हैं थोड़ा सा कम, जिससे कि और भी अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा तो लाइट रूम में पहले फोटो ऐसा था और अभी एडिट करके ऐसा हो गया है। तो अभी तो हमारा लाइट रूम का काम तो हो गया है, अब इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद सिंपली अब अपने पिक्सआर्ट वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने मॉडल को कर लेते हैं चूज। इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके बटरफ्लाई वाले PNG को चूज कर लेते हैं। इस PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा कर देते हैं क्रॉप। इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद इसको कर देते हैं रोटेट और इसको फेस के जस्ट ऊपर लगाएंगे, जिससे कि और भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। इधर कर लेते हैं डन। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा फोटो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही क्रिएटिव। और उसके बाद ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले PNG को चूज कर लेते हैं, लाइट PNG को। उसके बाद इसको बटरफ्लाई के ऊपर लाएंगे, इसको सेट कर लेते हैं। ब्लेंड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर देते हैं स्क्रीन, जिससे कि ये और भी अच्छा लगेगा, बटरफ्लाई पे लाइट भी आ जाएंगी। इधर से कर लेते हैं डन।
डन करने के बाद ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं, बटरफ्लाई पीएनजी को। उसके बाद इसको भी क्रॉप कर लेते हैं। इसको सेट कर लेते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद सिंपली ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इसको भी बटरफ्लाई के ऊपर लाके सेट कर लेते हैं और ब्लेंड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर देते हैं स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इसको कर देते हैं रोटेट और इसको कर लेते हैं बड़ा। बड़ा करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद ब्लेंड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर देते हैं स्क्रीन, जिससे कि ये और भी अच्छा दिखेगा, और कैपेसिटी को थोड़ा सा लो कर देते हैं जिससे कि बटरफ्लाई पे और लाइट आ जाएगा। और इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने लास्ट पीएनजी को चूज कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। उसके बाद ब्लेंड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसका बना लेते हैं डुप्लीकेट, जिससे कि ये और भी अच्छा लगेगा। और इरेजर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको फेस पे इरेज कर लेते हैं, हाथ पे भी इसको इरेज कर देते हैं। इधर कर लेते हैं डन। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोटो बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारा नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसको कर लेते हैं सेव।